The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। एक बार फिर बात करेंगे आज यूरिन और उसके बारे में। सो यूरिन के बारे में जो आज आपको जानना है वो है कि फोमी यूरिन, यूरिन में जो झाग आने लग जाता है वो कब आता है, क्यों आता है। कई लोगों का मैसेज आता है कि सर यूरिन में झाग आ रहा है, सर यूरिन में झाग आ रहा है, सर क्या करें, सर क्या करें और सर कैसे करें, कुछ दिक्कत तो नहीं है, इसका मतलब क्या है, इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर यूरिन में झाग आ रहा है, यूरिन फोमी लग रही है, यूरिन क्लाउडी लग रही है, यूरिन गाढ़ी गाढ़ी लग रही है, उसका क्या मतलब होता है। लेट्स टॉक अबाउट इट, शॉर्ट टॉक हो जाएगा। और क्या उससे कोई कंसर्निंग बीमारी है या वो खुद ही ठीक हो जाएगा। अगर वो खुद से ठीक ना हुआ तो क्या करें। सो पासिंग अ फोमी यूरिन नाउ एंड देन इज क्वाइट फ्रैंकली नॉर्मल। जी हाँ, एक पेशाब में झाग आना नॉर्मल होता है। अब बात सुनिए, झाग कैसे आते हैं। झाग आता है बहुत सारे फैक्टर से। अगर हम यूरिनेशन की स्पीड की बात करेंगे, जी हाँ, यूरिन की स्पीड और कई सारे फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं। तो अगर पेशाब में झाग आ रहा है, इट माइट बी कि आप बहुत तेज से यूरिन कर रहे हैं इसलिए बहुत प्रेशर से वहाँ पे झाग बन रहे हैं। इट माइट बी बिकॉज ऑफ दैट, इट माइट बी सम अदर थिंग बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स, फिजिकल फैक्टर्स। सो अगर आपको परसिस्टेंटली हमेशा ही झाग आ रहा है, विच इज गेटिंग ज़्यादा ज़्यादा और ओवर टाइम और ज़्यादा क्लियर 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 दिखाई देते जा रहा है, तो इट माइट बी कि आपके यूरिन में प्रोटीन ज़्यादा आ रहा है, प्रोटीन यूरिया। ठीक है, प्रोटीन यूरिया यानी प्रोटीन यूरिन में ज़्यादा है तो झाग आएगा, विच रिक्वायर्स फर्दर टेस्ट। उसमें आप यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी करके देखें यूरिन में, या फिर आप माइक्रो अल्ब्यूमिन यूरिया के लिए चेक कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपके शरीर आपके यूरिन में प्रोटीन आ रहा है तो उसका मतलब ये है कि इट माइट बी बिकॉज ऑफ सम किडनी डिजीज, किडनी प्रॉब्लम। तो किडनी फंक्शन टेस्ट चेक करना पड़ेगा, किडनी का अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा, किडनी का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा कि किडनी ठीक है कि नहीं। सो झाग वाला यूरिन, फोमी यूरिन, क्लाउडी यूरिन कभी कभी इज फाइन, हमेशा बढ़ता जा रहा है चेक यूरिन फॉर प्रोटीन्स, प्रोटीन यूरिया, माइक्रो अल्ब्यूमिन यूरिया। अल्ब्यूमिन इज अ प्रोटीन, सो माइक्रो अल्ब्यूमिन यानी जब यूरिन में बड़े बड़े प्रोटीन नहीं है तो माइक्रो अल्ब्यूमिन मिल सकता है, वो इनिशियल साइन हो सकता है यूरी किडनी में प्रॉब्लम का। उस केस में फिर मान लो डायबिटीज हो या ऐसी कोई हाइपरटेंशन हो जो स्लोली किडनी खराब कर रही है, ऐसी बीमारी हो सकती है। सो हमें उस चीज के लिए देखना पड़ता है। सो किडनी प्रॉब्लम नीड्स टू बी डायग्नोस। इफ योर यूरिन सीम्स फोमी मोस्ट ऑफ द टाइम देन यू नीड यूरिन टेस्ट टू इवेल्युएट प्रोटीन्स। इफ द प्रोटीन टेस्ट इज पॉजिटिव देन यू नीड टेस्ट टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ द किडनी डिजीज, मे बी अ किडनी स्टोन, मे बी अ किडनी इन्फेक्शन, मे बी अ किडनी स्वेलिंग, मे बी सम अदर मेडिकल रीनल डिजीज, ऑलराइट, मे बी डायबिटिक नेफ्रोपैथी। सो और सारी चीज़ों को आपको डायग्नोस उसके आगे चलाएं। लेकिन कभी कभार फोमी यूरिन आ जाने से कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आप चिंता ना करें, डरे ना, और पानी ज़्यादा पीजिए, पानी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और किडनी की हेल्दी रखने के लिए कई सारे वीडियोज़ हैं हमारे यूट्यूब पर, देखें। ऑलराइट, थैंक यू।